पिछले दिनों आपने सुना होगा कि केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर की, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की वृद्धि कर दी है और पेट्रोल डीजल निरंतर बढ़ ही रहा है। नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने 7 साल पहले जब चुनाव प्रचार का अभियान शुरू किया था तो हर आम सभा में वो कहते थे कि कांग्रेस के राज में पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही है और हमारी सरकार आई तो हम कर देंगे, ये उनका मुद्दा रहा। आपने देखा होगा कि स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, ये सब गैस के सिलेंडर ले लेकर के जो है सड़कों पर, चौराहे पर आंदोलन करते रहते थे और 7 सालों में उनका ये वायदा कहीं पर भी पूरा नहीं हुआ। ना तो पेट्रोल की कीमत घटी, न डीजल की घटी, न रसोई गैस की घटी, और रसोई गैस में तो उन्होंने सारी सब्सिडी जो है धीरे धीरे खत्म कर दी है। तो आज इस मुद्दे पर सारे कांग्रेस के लोग जो है ये आंदोलन कर रहे हैं और हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि हम जनता के बीच जाएं और उनको बताएं कि आपके साथ धोखा करके वोट लिया गया है और जो वायदा आपको किया था वो वायदा ये पूरा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आज हम जनता के बीच में।